किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और बदले हुए मौसम के हिसाब से फसलें और उनके देखभाल के तरीकों में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही है। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि मौसम चाहे कोई भी हो, आप अपने कृषि कार्यों को इस तरह से संपादित करें कि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करके अपना लाभ बढ़ा सकें। मौसम की मार से अपनी फसलों को बचाकर होने वाले नुकसान से बच सकें। तो आइए, ऐसी ही कुछ जानकारियां लेकर हाजिर हैं हम अपने इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। 61 लाख हेक्टेयर में रबी बुवाई, कृषि पंप अस्थाई कनेक्शन योजना शुरू, सरसों में कीट नियंत्रण के उपाय, गेहूं को करनाल बंट से बचाएं, टमाटर में कीट प्रबंधन के उपाय। प्रदेश में तापमान ज्यादा रहने के बावजूद भी किसानों द्वारा रबी फसलों की बुवाई शीघ्रता से की जा रही है। अभी तक प्रदेश में 61,59,000 हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई की जा चुकी है, जो गत वर्ष की तुलना में 14 लाख हेक्टेयर कम 75,58,000 हेक्टेयर थी। इस वर्ष रबी फसलों की बोनी का लक्ष्य 105 लाख रखा जा चुका है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गेहूँ की बुवाई 25 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल से 10 लाख हेक्टेयर कम है। चना 23,05,000, मसूर 4 लाख, मटर 2 लाख एवं सरसों 5,24,000 हेक्टेयर में बोया गया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा जबलपुर, सागर एवं रीवा क्षेत्र के कृषि पंप उपभोक्ताओं को अब 2 माह की अग्रिम राशि जमा करने पर अस्थायी बिजली कनेक्शन जारी करने की योजना शुरू की गई है। यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके पहले इन उपभोक्ताओं को न्यूनतम 3 माह की अस्थायी कनेक्शन की दर से राशि जमा करना जरूरी था। प्रदेश में सूखे से प्रभावित किसानों की समस्याओं को देखकर राज्य शासन ने कृषि पंप उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए 2 माह के अस्थायी कनेक्शन की राशि जमा करने की अनुमति देने का फैसला लिया था। सरसों की फसल को कीट रोगों से अत्यधिक नुकसान होता है। समय रहते इसका नियंत्रण करने से होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। आरा मक्खी के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियन 50% 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, या मिथाइल पैराथियन 2% का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। माहू कीट से रक्षा के लिए 1 से 1.5 लीटर डाइमेथोएट 30% EC 1,000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। गेहूं की फसल में करनाल बंट रोग पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश में अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। रोग का उग्र प्रकोप होने पर संक्रमित बालियों के दाने रोग ग्रसित हो जाते हैं। रोग ग्रसित बाली के दाने आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से काले चूर्ण में बदल जाते हैं। ग्रसित दानों का केवल एक ही भाग नष्ट होता है, बाकी का भाग स्वस्थ बना रहता है। रोग ग्रसित दानों में उपस्थित ट्राइमिथाइल एमीन रसायन के कारण सड़ी मछली जैसी दुर्गंध आती है तथा रोगी दानों की उपस्थिति के कारण गेहूं के गुणों एवं मूल्यों में कमी आ जाती है। इस रोग के प्रबंधन के लिए किसान भाई बुवाई से पूर्व बीज को कार्बोक्सिन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करें। रोग का प्रकोप लगातार होने पर 3 से 5 वर्ष तक उस एक खेत में गेहूं की फसल ना लगाएं तथा फसल चक्र में हरी खाद का प्रयोग करें। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें व मृदा सूरीकरण करने से रोग के प्रकोप को कम किया जा सकता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में फूल आने के समय प्रोपिकोनाजोल अथवा टेबिकोनाजोल 0.1% की दर से छिड़काव करें। टमाटर की फसल को कीट रोगों से काफ़ी नुकसान होता है। टमाटर को फल भेदक हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इल्लियाँ सबसे पहले पत्तियों और बाद में फलों को भेदते हैं। इसकी रोकथाम के लिए समन्वित उपाय अपनाना चाहिए। गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे भूमि में छिपी हुई कीटों की विभिन्न अवस्था पक्षियों के द्वारा खा ली जाए। गेंदे का फूल मुख्य फसल के चारों ओर लगाना चाहिए। फेरोमोन प्रपंच के उपाय करना चाहिए। इल्लियों को नष्ट करने हेतु ट्राइजोफोस 40 EC 1 मिलीलीटर के 3.5 ग्राम नीम घोल के साथ मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भाव की। बरनावर में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2115 रुपए प्रति क्विंटल। बैतूल में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1430 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1602 रुपए प्रति क्विंटल। अब बात करें बीना की, तो वहां गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1450 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दमोह में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1440 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1470 रुपए प्रति क्विंटल। अब हम बात करते हैं सोयाबीन के भाव की। आगर में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2901 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3743 रुपए प्रति क्विंटल। देवास में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 3000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3700 रुपए प्रति क्विंटल। धार में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2600 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4065 रुपए प्रति क्विंटल। गंज बासौदा में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2700 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3755 रुपए प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं सरसों के उपज भाव की। नीमच में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 2301 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4501 रुपए प्रति क्विंटल। रीवा में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 4100 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4201 रुपए प्रति क्विंटल। सागर में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3200 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 3875 रुपए प्रति क्विंटल। अब सतना की बात करें, तो वहां सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4100 रुपए प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान
किसान भाइयों, रबी का मौसम चल रहा है और इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपको मिट्टी की सही जानकारी होना, क्योंकि यदि आपको अपनी मृदा की सही जानकारी होगी तभी आप खाद और उर्वरक का सही प्रबंधन कर सकेंगे और इसके लिए मृदा परीक्षण की सही तकनीक की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी सही नतीजे मिल सकते हैं। तो आज हम आपको हमारे विशेषज्ञ RS सिसोदिया जी के माध्यम से बताएंगे कि मृदा परीक्षण की उन्नत तकनीक क्या है। आज जो स्थिति ये आ गई है कि हमारी मृदाएं दूषित हो रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं है कि हमें कितनी मात्रा में खाद देना चाहिए, कितना देना चाहिए, किस समय देना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमें पहले इसके बारे में, खाद के बारे में जानना होगा कि जो हम रासायनिक खाद दे रहे हैं उसको कब दें, कितनी मात्रा में दें, कौन सी फसल ले रहे हैं उसकी क्या आवश्यकता है। आप सबसे पहले, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ यहाँ पे कि 60 और 65 के दशक में जब हमने खाद देना शुरू किया था, रासायनिक खाद, आपको ज्ञात होगा उस टाइम आप लोग मने करते थे कि हम रासायनिक खाद नहीं डालेंगे, हमारी ज़मीनें ख़राब हो जाएंगी। आज स्थिति ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि रासायनिक खाद कम करो, जैविक खेती को अपनाओ। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग वही रासायनिक खाद के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि बगैर रासायनिक खाद के खेती भी संभव नहीं है, तो उसको किस तरीके से संतुलित मात्रा में हम प्रयोग करें। जब 60 और 65 के दशक में जब हमने खाद देना शुरू किया था, 0.78 लाख मैट्रिक टन खाद की हमारे देश को ज़रूरत थी उस टाइम, लेकिन उत्पादन कितना होता था? 124 लाख मैट्रिक टन उत्पादन होता था। आज स्थिति यह है कि हमारा उत्पादन 255.6 लाख मैट्रिक टन हो गया है, लेकिन फर्टिलाइज़र जो हम दे रहे थे, खाद दे रहे थे, वो हमारा 25.6 लाख मैट्रिक टन हो गया है। यानी खाद की मात्रा तो 32.2 के करीब पहुंच गई है, लेकिन जो उत्पादन है वो हमारा 2.1% ही बढ़ा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमें खाद दे तो रहे हैं, कब देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, आज तक मृदा परीक्षण हमने कभी कराया नहीं। तो आज हम आपसे ये विनती कर रहे हैं कि आप जो है मृदा परीक्षण कराएं। मृदा परीक्षण कराते समय आपको कुछ बातें ध्यान देनी होंगी, जैसे आपको 3 साल में कम से कम एक बार मृदा परीक्षण कराएं। अगर आप सघन खेती कर रहे हैं, यानी लगातार फसलें ले रहे हैं, तो आप प्रतिवर्ष मृदा परीक्षण कराएं। मृदा परीक्षण कराते समय आप जिस खेत का मृदा परीक्षण कराना है तो उसको किस तरीके से आपको वहाँ पे रेंडमली आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से सैंपल लें, ये बहुत ज़रूरी है। किसान भाई हमारी गलती क्या करते हैं, उनको जानकारी न होने के कारण सबसे महत्व जो है सैंपल को लेना होता है, मिट्टी के नमूने को एकत्र करना रहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद तो प्रयोगशाला का काम रहता है, जो आपको नहीं करना है वो प्रयोगशाला का है। तो आपको जो नमूने लेने हैं उनमें सबसे पहले आप ये देखें हमारा खेत कितना बड़ा है, आकार कितना बड़ा है। अगर आपका खेत बड़ा है तो नमूनों की संख्या भी बढ़ेगी। और आप ये ध्यान दें कि जहाँ पे ढाल है, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे कुआ है, जहाँ पहले खाद पड़ा था, उन स्थानों को छोड़ के, और हमेशा अगर साल में आपको एक बार कराना है तो आप एक काम करिए, जैसे ही फसल कटती है उसके तुरंत बाद आप नमूना एकत्र करने का काम कर दीजिए। और नमूना आप जब खेत से लें तो उसको एक ध्यान दीजिए कि आप पहले खेत में जब आप उसको चिन्हित कर लेंगे, चिन्हित करने के बाद वी आकार का एक खेत में गड्ढा करेंगे, वी आकार का जब गड्ढा करेंगे तो उसमें साइड से 15 सेंटीमीटर, अगर आपको कोई बागवानी फसल लेनी है तो उसकी पौधे की जड़ के अनुसार, मतलब 1.5 मीटर 3 मीटर तक भी हम मृदा नमूने लेते हैं, लेकिन अगर हमें अनाज वाली फसलें लेनी है तो उसके लिए 15 सेंटीमीटर पर्याप्त रहता है। तो नमूना लेके उसको सबको एक तगाड़ी में, और ध्यान दें कि लोहे की तगाड़ी ना हो, क्योंकि जंग लगी तगाड़ी से उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप जो तगाड़ी लें उसको प्लास्टिक की तगाड़ी लें और एक जगह छाया में सारे नमूनों को इकट्ठा कर लें और फिर उन्हें मिक्स करके 4 भागों में बांट दें, 2 भाग आमने सामने के उनको फेंक दें, फिर मिलाएं। ऐसे करते करते 0.5 किलो मिट्टी को आप प्रयोगशाला के लिए भेजें। प्रयोगशाला में भेजते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि जब हम प्रयोगशाला में भेज रहे हैं जो नमूना, उस खेत का नाम आपके लोकल में, जैसे कुआ वाला खेत है, कहीं पीपल का पेड़ है, कहीं दूसरी चीज़ है, वो चीज़ ज़रूर लिखिए, और कौन सी फसल ले रहे हैं और कौन सी फसल ली गई थी पहले, ये लिख के दीजिए।
तो वहाँ से वैज्ञानिक जो है आपको सही मात्रा में कितना खाद देना है आने वाली फसल में आपको बता सकते हैं। तो आप जब वहाँ से प्रयोगशाला से जब आपका सैंपल जो एनालाइज होके परीक्षण होके आपके पास आएगा तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। वैसे तो वैज्ञानिक बता देते हैं कि जब आपकी मात्रा खेत में जैसे निम्न स्तर पर है तो यानी जो हम खाद दे रहे थे जैसे गेहूं में 120 किलो नाइट्रोजन 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास देते हैं, अगर निम्न स्तर की है तो यानी 25% और मात्रा बढ़ा देंगे, अगर वो हाई लेवल पर है जो चीज़ उसको 25% कम कर देंगे। तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान दें और हमेशा जो फसल हम बो रहे हैं आने वाली उसके लिए आपको कौन कौन से खाद की आवश्यकता है ये पहले से आप सोसाइटी या जो भी आपके माध्यम है वो लेके रखें। और हमारे किसान भाई गलती क्या करते हैं, हमने देखा है अक्सर करके उन्हें ये ध्यान नहीं है कि हम जो फसल ले रहे हैं उसमें कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता है। जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में हमने देखा है सोयाबीन की फसल ली जाती है खरीफ फसल में, और वो किसान भाई क्या करते हैं वही आजकल तो DAP और ज़्यादा यूज करने लगे हैं, जबकि DAP की जगह पहले सुपर फास्फेट आती थी। सुपर फास्फेट बहुत बढ़िया खाद थी जिसमें हमारे 3 तत्व मिलते थे, आज किसान भाई केवल DAP डाल के दूसरे तत्व नहीं दे रहा है जिससे सोयाबीन की पैदावार, सोयाबीन जितनी तिलहनी फसलें हैं सोयाबीन उसी में आता है, तो उसमें जो है सल्फर की बहुत आवश्यकता होती है। तो आप लोग जो है सल्फर का उपयोग करें और सबसे बढ़िया है आप जो क्या नाम है सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ, ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जाबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, सर्दियों का मौसम आ चुका है और इस समय आपको अपनी खेती किसानी में खासे प्रबंधन करने पड़ते हैं। इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है कि प्रबंधन कैसे करें, जैसे नर्सरी का प्रबंधन, क्योंकि उद्यानिकी फसलों की ये सबसे पहली और प्रमुख अवस्था है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी नर्सरी का प्रबंधन किस तरह से करें ताकि आप उद्यानिकी फसलों से अधिक उत्पादन ले सकें। बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ SP सिंह जी। किसान भाइयों, जब हम नर्सरी, क्योंकि सर्दी का जब मौसम होता है तो उस वक्त जो है नर्सरी लेना, और जो है कभी कभी टेम्परेचर जो है बहुत कम जो है चला जाता है, तो उस वक्त जो उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए नर्सरी का। और कहा यह जाता है कि अगर आपने जो है नर्सरी का प्रबंधन अच्छी तरह से कर लिया है तो मान के चलिए कि आपने आधी से ज़्यादा जो है फसल जो है वो उगा ली है। तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि नर्सरी जहाँ पर हमको उगानी है उस जगह का चुनाव किस प्रकार से किया जाए ये देखना है, क्योंकि आजकल जो है वो पुराने ज़माने की जो है खुले में जो नर्सरी डाल लेते थे तो उसका जो प्रचलन अब धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, और हमारे किसान भाई भी जो हैं उन सब पद्धतियों को, उन सब चीज़ों को जो है अच्छी प्रकार से सीख रहे हैं। एक तो हमारी नर्सरी होती है ग्रीन हाउस, जो ग्रीन जो है छतरी नुमा उसको बनाकर जो है तैयार कर दिया जाता है, झोंपड़ी जैसी एक बन के तैयार हो जाती है। और इसके अलावा जो है एक होता है हमारा पॉली हाउस, तो पॉली हाउस जो होती है वो अति आधुनिक होती है जिसमें जो है चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो हर प्रकार के मौसम में उसका जो टेम्परेचर है उसको मेनटेन कर लिया जाता है। और इसके अलावा जो हमारा ग्रीन हाउस है ये कम लागत पर जो है काम करता है, इसमें कम लागत में जो है किसान भाई उसको तैयार कर सकते हैं और अपनी जो है पौधशाला बनाकर जो है अच्छी उपज जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम किसान भाइयों को
जो चुनाव करें जगह का वो इस प्रकार का करें कि खेत में जहां सबसे जो है बढ़िया जगह हो, जहां छाया न हो और ऊंची जगह हो, उस जगह का इस्तेमाल करें और जहां किसी भी प्रकार का कोई जो है पानी का भराव ना हो ये देखते हुए करें। और इसके अलावा वहां मिट्टी जो है वो भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें, और यदि जो है मिट्टी भुरभुरी नहीं है तो उसमें बालू को मिला के उस मिट्टी को जो है भुरभुरा बना लें और उसका पीएच मान लगभग 6.5 के आसपास जो है पीएच मान हो ये देखते हुए। और जहां आप नर्सरी लगाने के लिए जा रहे हों उस स्थान को जो है ये देख लें कि समतल है या नहीं है, यदि वो समतल नहीं है तो उसका जो है समतलीकरण जो है कर लिया जाए। और नर्सरी को आप इतनी दूर ना लगाएं कि उसकी आप देखभाल न कर सकती हों, क्योंकि नर्सरी एक बच्चे के समान होती है और उसका जो है समय समय पर जो है रोज़ाना देखना जो है बहुत ही अति आवश्यक होता है। ये देखकर जो नर्सरी लगाएं, और इसके अलावा नर्सरी ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से आपको पौध ले जाकर जो है बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट न करनी पड़े, ये ध्यान में रखते हुए जो है पौध लगाएं। अब इसके बाद आपको नर्सरी तैयार करनी है, तो नर्सरी जिस जगह पर आपको तैयार करनी है उस जगह पर फॉर्मेल्डिहाइड का जो है आप छिड़काव कर दें, 25 ml फॉर्मेल्डिहाइड लेकर और उसको 1 लीटर पानी में घोल बनाकर और उसको छिड़काव कर दीजिए। और छिड़काव करने के बाद फिर आप उस पर जो है एक शीट जो आती है पॉलीथीन की, उस पॉलीथीन की शीट को उस पर बिछा दीजिए। बिछाने के बाद 1 हफ्ते 10 दिन बाद उसको हटाकर, हटाने के बाद फिर उसमें अच्छी तरह से आप जो है 3-4 बार जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद मिट्टी को जो खूब अच्छी तरह मिला के भुरभुरा बना दीजिए, उसके अंदर जो है पेड़ पत्तियों के इसके अलावा उसकी कुछ गांठें हों, पत्थर हों और कांच के टुकड़े हों, इस तरह की जो भी अवांछनीय चीज़ों हों उन सबको वहां से जो है आप हटा दीजिए। हटाने के बाद फिर जो है आप उसका इस्तेमाल करिए जगह का, लगभग जो है आप एक 10 मीटर की जो है 10 स्क्वायर मीटर की एक वो बनाने के लिए नर्सरी आपको 25 किलोग्राम के लगभग गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आप ट्राइकोडर्मा मिला के और 300 ग्राम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट को जो है मिलाकर और बढ़िया तरह से उसको भुरभुरा कर लीजिए, और उसमें जो है इंडो मिथाइल 45 जो है उसमें डाल के आप जो है उसको कर लीजिए तैयार। और उसके बाद फिर आप उसको जो है तैयार बेड को जो है 1x3 मीटर की लगभग आप बेड बना के तैयार करें, और वो जो बेड हैं वो इस प्रकार की बेड हों के जिसके चारों तरफ आप जो है आसानी से घूम सकें, और घूमने के बाद जो उसमें जिस प्रकार की भी कर्षण क्रियाएं आपके द्वारा की जानी हैं उन सब क्रियाओं को आप भली भांति जो है कर सकें, ये ध्यान में रखें। इसके अलावा किसान भाइयों जो बीज लगाए जाते हैं इसमें नर्सरी के लिए वो बहुत ही छोटे छोटे बीज होते हैं, तो जैसे आपका गोभी का है, टमाटर का है, पालक का है, और फूलों में लें तो गेंदा का भी है, मिर्च की भी है, इन सब की जो है बहुतायत में जो है प्याज की पौधे जैसे बहुतायत में किसान भाई जो है वो तैयार करते हैं और उसको लगाते हैं। तो आप सबसे पहले जो है जो आपने बेड बना के तैयार करी है उस पर जो है 1 सेंटीमीटर नीचे बीज को डालें और उसको जो है कतार में लगाएं, और दूसरी कतार 5 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी कतार बनाएं दूसरी, ताकि आपके द्वारा जो कर्षण क्रियाएँ की जानी हैं वो तसल्ली से और आराम से सुविधाजनक पूर्वक आप उसकी जो है कर्षण क्रियाएं कर सकते हैं। और जो बीज आपको डालना है उस बीज को भी आप जो उपचारित करके ही बोएं, बिना उपचारित करके बीज को इस्तेमाल ना करें, उसको आप जो बढ़िया तरह से कैप्टन से, वावस्टीन से, थीरम से या किसी भी से चीज़ से इनमें से इस्तेमाल करके और उसको जो है आप तब उसके बाद बोएं। बोने के बाद आप उसके ऊपर बढ़िया तरह से जो है मिट्टी करके और फिर उसके ऊपर जो है आप पत्तियां वगैरह जो है उस पर डाल दें और हल्का सा छिड़काव जो है करके तैयार कर दें उसको। छिड़काव जब कर देंगे तो उसके बाद जो है आप 4-5 जो है दिन बाद जो है आप उसमें जो है हल्की सी जो है सिंचाई करते रहें और आवश्यकता अनुसार उसमें जो है 0.3% का यूरिया जो है बीच में डालते रहें। ट्राइकोडर्मा भी आप इस्तेमाल करते रहें उसमें डालकर, और जब आपकी नर्सरी जो है 10-12 सेंटीमीटर के आपके तैयार हो जाएं और जब नर्सरी में से लगाने के लिए बाहर लायक हो जाएं तो आप जो है बड़ी तसल्ली के साथ जो है 2-3 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही बिना कुछ पानी लगाए, और जिस दिन आपको निकालनी हो उससे जो है 3-4 घंटे पहले हल्की सिंचाई करें
ताकि उससे उसकी जड़ें आराम से निकल आएँ और उसको निकाल के आप बाज़ार में बेच सकते हैं और बेचने के साथ प्रचार प्रसार के लिए आप अपना जो है एक वो बनवा के तैयार कर लें जिस पर आपका नाम पता और ये लिखा हुआ जिसको आप जो है नर्सरी में इस बार दें, अगली बार के लिए जो भी उसके पास अपना जो है किसान भाइयों के पास नाम अते पते जो है रहने चाहिए ताकि वो आपसे संपर्क कर लें और आपका जो है वो हो जाए। इस प्रकार से आप सर्दियों में अच्छी जो है नर्सरी कर सकते हैं। धन्यवाद। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का। गौरव प्रगति के विश्वास का। चेहरा भारतीय किसान का। परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप पत्रों के माध्यम से हमें बता सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। और इसी के साथ मुझे यानी निहारिका समैया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।